नमस्कार, आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। इसके अंदर सबसे पहले आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यदि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दिए हुए हों तो उन्हें एक यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे क्यू आर आर, जो सेटिस्फाई करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लाई करेगा जीरो से लेके बी के बीच में। ये एक्चुअली बना होता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, डिविडेंट को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद हमें कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। डिविडेंट को लिखा जाता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंट होगा वो होगा ए, डिवाइजर होगा बी, रिमाइंडर होगा आर और ये क्वांटिटी कोसेंट बनेगी क्यू। तो यहीं से मेरे पास ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनी है कि ए इज इक्वल टू डिवाइजर है हमारे पास बी इंटू कोसेंट है क्यू प्लस आर। अब हम इसका यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 255 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, उस नंबर को डिवाइड कर देना है छोटे नंबर से। क्लियरली वन पे जाएगा तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 90 बचेगा। हमें जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि हम किसी भी नंबर्स को ए और बी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ए होगा 255, बी होगा 135, क्यू बनेगा 1 और आर बनेगा 90। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू होगी 255, बी है 135, आर क्यू की वैल्यू है 1, आर है आपके पास 90। अगेन से सेम एल्गोरिथम यूज करनी है इन दो नंबर्स पे। क्लियरली 135 इज ग्रेटर देन 90, तो 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अगेन से ये क्वांटिटी बचेगी, ये वाली वैल्यू अगेन से आपके पास हो जाएगी ए, ये वाली वैल्यू बन जाएगी बी, ये बनेगा आपके पास आर और ये बनेगा आपके पास क्यू। तो यहाँ से 135 को लिख सकते हैं हम 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन से हम 90 और 45 पे यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करेंगे तो 45 को डिवाइड करेंगे हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा। ये एल्गोरिथम आपको तब तक फॉलोअप करनी है तब तक आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं बच जाता। तो ये वाली क्वांटिटी लिखी जा सकती है 90 इज इक्वल टू 45 टू प्लस जीरो। जब रिमाइंडर जीरो बच जाए तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास एचसीएफ होगी। तो मेरे पास यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 255 इक्वल टू होगा 45। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी का थर्ड पार्ट। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255
by using Euclid's division algorithm अगेन से इनमें से पहले हमें चेक करना है कौन सा नंबर लार्ज है क्लियरली 867 लार्ज है तो 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से तो ये मेरे पास आएगा 3 पे जाएगा यहाँ पे आपके पास बनेगा 102 अगेन से 102 और इनको आपस में इनके ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे 255 अगेन से ये मेरे पास 2 पे जाएगा 204 और मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 51 अगेन से इस और इस नंबर पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलोअप करना है तब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 बचे तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास SCF होगी तो मेरे पास यहाँ पे SCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू होगा 51 इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू